लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बस शुरू होने वाले हैं और इसमें पब्लिक का ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पब्लिक ही है जो सरकारें बनाती है, जो MPs बनाती है और अपना जो कीमती वोट है उसे कास्ट करती है। कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बार जो है वो अपना वोट जो है किन्हें कास्ट करेंगे। अपना नाम बताइए सर। मेरा CP सुदन। CP जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार अपन जो वोट है किसे देंगे? जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसको वोट डालेंगे, मोदी जी अच्छा करेंगे उसको डालेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे हम उस सरकार को वोट डालेंगे। अब तो काम खत्म हो गया, अब तो वोट डालने का वो करेगा ना, जब आएगा वोट देखेंगे, इलेक्शन पर वोट डालेंगे, जो अच्छा लगेगा हम करेंगे उसी को डाल देंगे वोट। अच्छा, मतलब अभी तक आपने डिसाइड नहीं? नहीं, डिसाइड कोई नहीं है, जब देखेंगे क्या क्या पोजीशन है, क्या वक्त कैसा चल रहा है उसके वोट डालेंगे। थोड़े दिन ही रह गए, बस ये पूरे दिन के 10-15-20 दिन है डालेंगे, जो अच्छा कैंडिडेट मिलेगा उसी को डालेंगे। मोदी जी के चांसेस उसे उन्हें डाल सकते हैं? सभी को डालें, मोदी भी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो जम्मू में तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुगल किशोर है BJP से और कांग्रेस से भल्ला साहब है, तो इन दोनों में से किस? भल्ला साहब भी अच्छा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर, बहुत अच्छा लीडर है, वो सोशल लीडर है। लाल सिंह भी बड़ा अच्छा लीडर है, जो अच्छा काम करेगा वो डालेगा। नहीं, काम उनने तो पिछले 5 सालों में कर दिए, रिजल्ट लेके लेगा ना, दोबारा इलेक्शन होगी तो पड़ेगा ना मैडम। नहीं, रिजल्ट तो इलेक्शन के बाद निकलेगा, के बाद में पता लगेगा ना, जो उनका बाद में ही पता लगेगा ना, महीने 1.5 महीने के बाद पता लगेगा। तो आपको पहले डाल दें लेकिन? हाँ, तो जब डाल के बताएंगे ना, किसी को थोड़ा बताएंगे किसको डाला वोट। अच्छा, मतलब सीक्रेट रखना है? सीक्रेट वोट सीक्रेट होता है, राज अपना सीक्रेट रखेंगे। तो वैसे आप किसके काम से ज्यादा इम्प्रेस है? देखो, काम तो रोडें तो बड़ी बनी है, दुनिया भर की रोडें बनी है, मोदी जी ने बनाई है, जिसने भी बनाई है रोडें, काम डेवलपमेंट हुई है बीच बीच में। कुछ लोग, हर आदमी की डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता, कोई बोले घर 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 जाएगा तो वो तो बड़ा मुश्किल है ना, हर जगह काम तो हुई है यार, रोडों में आपने भी देखे हैं, दुनिया भर के कश्मीर के बड़े बड़े टनल बने हुए हैं, इधर जौहरी पंच चले जाओ, हर जगह जगह चले जाओ, काम तो हुआ है ना, पैसे तो सारा BJP की तरफ जा रहा है। नहीं, ये नहीं हम किसी को बोलेंगे, किसको डालना है वो वक्त देखेगा। अच्छा, मतलब वो सीक्रेट है? देखो, सीक्रेट पाल की खबर नहीं, क्या पता हम पहले ही दुनिया छोड़ के चले जाएं। नहीं, खुदा ना करे। नहीं, ऐसा नहीं, अगले महीने तो सिर्फ आपको वोट करने जाना है। जी जी जी, ये नहीं बताएंगे किसको क्या डालना है, वक्त पे मौके पे देखेंगे किसको डालना है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कौन आना चाहिए? आप किसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? मैडम बात सुनो, मेरे हाथ में तो है नहीं, ये भगवान के हाथ है, जो उसका हुक्म होगा वही होगा, कोई किसी के हाथ में नहीं। लेकिन वोट आपने डालने जाना है? नहीं, वोट तो हम डालेंगे, मेरे एक वोट डालने से थोड़ा पूरा देश जीत जाएगा, दुनिया भर के डालेंगे तो जीते। नहीं, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा आपका बात करने का ढंग है, बहुत अच्छा लगा। तो आ जाए, जो भी देश का प्रधानमंत्री अच्छा वो आना चाहिए, कोई भी हो अच्छा प्रधानमंत्री आना चाहिए। मोदी जी चाहिए? ये नहीं हम कह सकते मोदी जी आ जाए तो वो भी है, जो भी आ जाए अच्छा है, अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए जी, इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन सी पार्टी आएगी, जैसे इलेक्शन आएगा, जैसे आस्ता आस्ता इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा उसमें खुद पता चलता जाएगा कि किसका जोर है। अभी तो हमारे जम्मू में इसकी शुरुआत भी नहीं है, अनाउंस हुआ, अभी हमारी डेट आगे है। देखिए, लोग ने वोट डालना है, जिसने अच्छे काम किए होंगे लोगों ने उसको वोट डालना है। लोग आजकल देखते हैं काम पे लोग वोट डालते हैं। हम कहते हैं जो भी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन में पूरे जोर शोर से वोटिंग करनी चाहिए, जिससे अपनी मर्जी का जो भी कैंडिडेट हो उसको चुनना चाहिए, और जो जाके आगे जाके पार्लियामेंट में लोकसभा में जाके हमारी आवाज़ उठाए वैसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए, जो जम्मू का हित में काम करे और जम्मू में काम करता हो। सर, पिछले 5 सालों की बात करें तो एब्रिगेशन 370 होने के बाद उसके बाद व्यापारी वर्ग को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान? देखिए मैडम, जो बातें हो गई अब उसको दुराने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो हो गया अब इस चीज़ को भी 4 साल हो गए हैं, देखो उससे इस चीज़ को अब दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्यापार में ऐसे ही गिरावट है, व्यापार ऑलरेडी कम है, वो देख लो अब दुकानदार खाली बैठे हैं, व्यापार तो ऑटोमेटिकली कम है, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे की बात करो उसका जवाब देते हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद अगर असेंबली चुनाव की बात करें तो असेंबली चुनाव क्या जम्मू के लोग चाहते हैं? देखो, वो जरूर होने चाहिए, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जे 30 सितंबर से पहले पहले वो उस पर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को एक हक मिलना चाहिए चुने और नुमाइंदा अपना चुनने का, और जो लोगों की आवाज़ बने, ये इलेक्शन जो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा सितंबर से पहले हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन होना चाहिए जिससे लोग अपने आवाज़ भी उठा सकते हैं और अपना नुमाइंदा भी चुन सकते हैं। तो जम्मू के लोग चाहते हैं असेंबली चुनाव? 100% कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दी है कि 30 सितंबर से पहले हम करवाएंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनके रिएक्शन जानने की कोशिश की कि इस बार वो अपना कीमती वोट जो है कौन सी पार्टी को जो है वो कास्ट करेंगे। तो मिक्स रिएक्शन जो है लोगों के जो है हमें देखने को मिले। कुछ पार्टी जो है हमने बीजेपी का फेवर किया, तो कुछ पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है जाना चाहती है और चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार विजयी रहे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।